दे जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मास की सेवन विधि उद्यापन विधि बता रही हूँ। यदि आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो साथ में आपको कार्तिक मास की सेवन विधि का भी मालूम होना चाहिए, जिससे कि आपको आपके व्रत और स्नान का पूरा फल मिल सके। कार्तिक स्नान नियम पूर्वक करने वाले व्यक्ति को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान मात्र से पुण्य फल प्राप्त होता है, लेकिन अगर त्याज्य वस्तुओं का त्याग करके व्रत करेंगे तो आपको करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा। तो कार्तिक मास में किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए वो मैं इसमें बताऊंगी। लहसुन, प्याज, तेल, शहद और मादक वस्तुओं को त्यागना चाहिए। संपूर्ण मास में पवित्र रहना चाहिए। अगर आप पूरा कार्तिक मास स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी, आंवला नवमी, गोपाष्टमी इनको व्रत करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक मास में हविष्यान अर्थात जौ और गेहूं और हरी साग का ही भोजन करना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। कार्तिक मास में आंवला और तुलसी विष्णु भगवान को अर्पण करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। अगर हो सके तो कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। कार्तिक मास में आकाश दीप नित्य शाम को लगाना चाहिए। तांबे के दीपक में घी का दिया जलाना चाहिए। वस्त्र, फल, दक्षिणा ब्राह्मण को देना चाहिए और दीप दान करना चाहिए। कहते हैं इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि किसी को मंत्र दीक्षा लेनी हो तो गुरु का सम्मान पूर्वक पूजन करके गुरु से दीक्षा लें, वो भी इसी मास में लेना अच्छा बताया गया है और इसका बड़ा भारी महत्व भी है। कार्तिक मास में कुछ तिथियां हैं, यदि आप इनका व्रत करेंगे तो आपको पूरे कार्तिक मास का व्रत का फल माना जाएगा। जैसे धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, दीपावली, यम पूजन, भगिनी ग्रह भोजन, भीष्म पंचक व्रत, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह और बैकुंठ चतुर्दशी। इन तिथियों का आप व्रत करेंगे तो आपको पूरे मास के कार्तिक मास का व्रत माना हुआ माना जाएगा। अगर आप इन तिथियों का व्रत करेंगे तो पूरे कार्तिक मास का व्रत माना जाएगा। कार्तिक मास में अगर आप स्नान और व्रत करते हैं तो कोशिश करें कि आप अधिक समय आप मौन रहें। अगर आप कार्तिक मास का व्रत और स्नान करते हैं तो आपको उद्यापन भी जरूर करना चाहिए। इससे माना जाता है कि आपका जो व्रत है वो संपूर्ण हो गया। कार्तिक मास का उद्यापन अगर आपको करना हो तो आप कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को प्रातःकाल नदी आदि में स्नान करें। नित्य कर्म समाप्त करके तुलसी जी के समीप चार द्वारों का एक मंडप बनावें। पूर्व द्वार से प्रारंभ करके क्रमशः मृतिका के बने चार द्वारपालों को उन दरवाजों पर स्थापित करें जिनका नाम क्रमशः शील, सुशील, जय और विजय है। उसके बाद तुलसी की जड़ के समीप एक वेदी बनाएं। उस वेदी पर सर्वतोभद्र चक्र बनावें। तत्पश्चात वेदी के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं और संकल्प करें, आचार्य आदि का वर्ण करें। पुनः सर्वतोभद्र के ऊपर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन कर वहाँ स्थापित करें। ताम्र कलश के ऊपर स्वर्ण की बनी हुई लक्ष्मी जी सहित विष्णु जी की मूर्ति को स्थापित करें। फिर ओम इदम विष्णु रीति इस मंत्र से आह्वान कर पुरुष सूक्त द्वारा षोडशो उपचार से पूजन करें। चारों ओर लोकपालों द्वारा द्वारपाल का भी पूजन करें। इसके बाद गीत और मंगल उत्सव कर रात्रि में जागरण करें। पूर्णिमा को व्रत स्नान से पवित्र हो शीघ्र अग्नि की स्थापना कर आज्य भाग के बाद अतोदेवा तथा ओम इदम विष्णावी इन दोनों मंत्रों द्वारा तिल, घी, पायस से विष्णु के लिए 108 आहुतियां देवें। इसके बाद सर्वोद्भद्र के सभी देवताओं के लिए एक एक घी की आहुति देकर होम समाप्त करें। उसके बाद पूर्णाहुति कर दें। तत्पश्चात निमंत्रित सहपत्निक सहित 31 ब्राह्मणों को बुला लें और वस्त्र अलंकारों से आचार्य तथा उन निमंत्रित सहपत्निक ब्राह्मणों की पूजा करके प्रार्थना करें। लोगों को सभी को प्रसाद बांटें। इस कार्तिक मास के व्रत से मेरे 7 जन्मों के किए गए सभी पाप नाश हों और मुझे चिरंजीवी संतति प्राप्त हो, जो चिरकाल तक स्थिर रहे।
आप लोगों के पूजन से मेरे मनोरथ सफल हो, मरने के बाद अति दुर्लभ वैष्णव स्थान मुझे मिले। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना द्वारा देवताओं का विसर्जन कर सुवर्ण प्रतिमा कपिला गाय शैया आचार्य को देवें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और बंधु बांधव से भोजन करें। इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन किया जाता है। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप एक या पांच ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन करा के भी यथा अनुसार दक्षिणा भी दे सकते हैं। तो आज मैंने आपको कार्तिक मास के उद्यापन की विधि बताई। अगर आपको ये पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।